श्रीमद् भागवत में एक सुंदर व्याख्यान जिसमें बताया कि किसी भी देवी देवता का उपहास अनादर नहीं करना है। जो भजनशील व्यक्ति साधक है उनको बड़ी ही विनम्रता के साथ पग बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य को पाना। यदि विनम्रता नहीं होगी तो निश्चित तौर से अहंकार आ जाएगा और अहंकार ठाकुर जी को पसंद है। ठाकुर जी अहंकार बिल्कुल नष्ट करके निर्मूल करके ही ग्रहण करते हैं। तो भजन जो व्यक्ति करना चाहता है उसका सबसे प्रथम लक्ष्य तो ये होना चाहिए हृदय में श्रद्धा हो और सरल उसका लक्ष्य है। सरलता ही वैष्णवता है। एक राजा हुए श्री नहुष जो कि बहुत उन्होंने योग सिद्ध किया ज्ञान अर्जित किया और पूरी पृथ्वी पर उन जैसा कोई राजा नहीं हुआ। इंद्रलोक में श्री इंद्र से अपराध बना, ब्राह्मण ब्रह्म हत्या हुई उनसे, तो उनको सब जगह एक डरावनी मृत्यु उनको नजर आती थी और उसका रूप इस प्रकार से था, बड़े विकराल बाल, बड़ा भयावह चेहरा, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंख और उसको देखते ही हर कोई भयभीत हो जाए। हरि बोल सकता है गौर के वंदे, जय जगन्नाथ, जय बंदे, जय सुखा जी। तो श्री वृत्रासुर का वध किया, उनके भाई का वध किया, ब्रह्म हत्या लगी। इस वजह से उन्होंने कई प्रकार के जो वृत्रासुर का जो वध हुआ तो जो पाप लगे उनको कुछ तो पृथ्वी देवी ने ग्रहण किया, कुछ स्त्रियों ने ग्रहण किया, कुछ वृक्षों ने ग्रहण किया और कुछ जल ने ग्रहण किया। उसका आज भी हम यदि जल में फेन होते हैं, झाग होते हैं तो उसको नहीं पीना चाहिए, उसको गिरा करके या थोड़ा उसको धैर्य से पीना चाहिए जिससे उसके फेन हमारे पेट में ना जाए, क्योंकि वो पाप ब्रह्म हत्या का लगा हुआ पाप। और ऐसे ही वृक्षों में जो गोंद होता है, वृक्षों ने उस पाप को गोंद के रूप में धारण किया, उस गोंद को नहीं खाना चाहिए, वो भी पाप स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार से स्त्रियों ने तो जो रजस्व का धर्म है उसको अंगीकार किया और इंद्र को समस्त पापों से बचाया और धरती मैया ने पाप को जैसे उसर जमीन होती है उस तरीके से उसको ग्रहण किया, अंगीकार किया पाप को और इंद्र को पाप विमुक्त किया। तो भी ब्रह्म हत्या होने के कारण इंद्र को सब जगह मृत्यु रूपी वह नजर आती थी, काली छाया नजर आती थी। बड़े भयभीत होकर के उन्होंने सब जगह जाते लेकिन उसको छाया छोड़ते नहीं। इस तरीके से उन्होंने जल में प्रवेश किया और जल में कमल के नाद में निवास किया।
वहां पर श्री लक्ष्मी जी ने उनको सुरक्षा प्रदान की, जिसकी वजह से वो अपना राजपाट छोड़ करके वहां पर छिप कर रहने लगे। तो यहां पर इंद्रलोक में इंद्र महाराज का सिंहासन खाली है, तो सबने देखा कि जब तक इंद्र नहीं आते तब तक राजा होना अति अनिवार्य है। तो राजा पृथ्वी लोक के बड़े महात्मा, बड़े सुंदर तरीके से योगनिष्ठ जो है साधना करने वाले छत्रपति राजा नहुष को सब ब्राह्मणों ने, सब ऋषिगणों ने कहा कि ये एकमात्र ऐसे राजा हैं जो इंद्र का पत्र स्वीकार करके आराम से रह सकते हैं और हम सबका पालन कर सकते हैं। तो राजा को बुलाया गया और उनको इंद्र का पद प्रदान कर दिया। इंद्र का पद ऐसा कि उस सिंहासन पर जो बैठेगा वो अपने आप अहंकार में हो जाएगा, क्योंकि इंद्र भी हमने भागवतम में और महाराज श्री से कई बार हमने सुना कि जब जब ऐसा लगता है कोई साधना कर रहा है, कोई योग कर रहा है, तो इंद्र को अपने सिंहासन डोलने का बड़ा भय बन जाता है। तो नहुष ने जब वो सिंहासन पर बैठे तो कुछ ही दिनों में उनको भी अहंकार हो गया और सोचने लगे कि मुझसे बलवान और मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। इंद्र इधर उधर छिपता फिरता है अपने पापों के कारण, मैंने कोई पाप भी नहीं किया और इसीलिए मैं सबसे बड़ा बलवान। इस तरीके से जो इंद्र की पत्नी जिसका नाम शची इंद्राणी, उसको जब उन्होंने देखा तो वो मोहित हो गए और सोचा मैं राजा हूं, मैं इंद्र उस समय, तो इंद्राणी मेरी होनी चाहिए। यहां पर अहंकार ने उनका जो है साधना अब धीरे धीरे लुप्त करना प्रारंभ किया और इस प्रकार से उनको और भी ज्यादा अहंकार में बना करके अब इंद्र के चरणों में पाप करने की उनको प्रेरणा जागी। और शची को देख करके उन्होंने सोचा ये मेरी रानी होनी चाहिए। तो सब लोग प्रणाम करते थे उनको, समस्त देवताओं के राजा हो चुके थे मनुष्य, तो सभी आकर के प्रणाम किया करते थे। वो रानी आकर के जब प्रणाम करने लगी तो उन्होंने कहा तुम मुझसे कल आकर के मिलना। और एकांत में जब उन्होंने उनसे मिले तो उनसे ये प्रस्ताव रखा कि देखो इंद्र तो अब आएगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं, तुम्हें मेरी रानी बन जाना चाहिए। ये जब बात कही वो इंद्राणी जो है वो बड़ी पतिव्रता है और वो इस बात को पचा ना पाई, बड़ी दुखी होकर के चली गई और जाकर के इंद्र जहां छिपे थे वहां पहुंच करके उनसे निवेदन किया, देखो अभी कुछ ही दिनों पहले ये नहुष राजा आया है और इसने बड़ी कठोर कठोर साधना तपस्या की जिसके कारण इसको यहाँ ये पद मिला और पद के मद में ये ऐसा बावला हो गया, इसने मुझ पर भी कुदृष्टि कर दी। इंद्र महाराज क्या बोलते हैं, आप चिंता नहीं करो, उसने यदि विवाह का प्रस्ताव रखा है तो तुम जाकर के उससे कहना कि हम विवाह के लिए सहमत हैं, परंतु एक शर्त है। शर्त ये जब आप अपनी बारात लाए तो किसी रथ पर बैठकर नहीं आना, एक पालकी पर बैठकर आना। और पालकी उठाएंगे कौन, समस्त ऋषिगण और ब्राह्मण लोग, तब जो है मैं विवाह कर लूंगी और उससे अपराध बन जाएगा, वो अपने पद से विपत्त हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक ऐसे ही इंद्राणी ने जाके कह दिया महाराज नहुष को कि राजा मुझे आपका प्रस्ताव तो स्वीकार है लेकिन शर्त यह है कि आपको पालकी पर आना, और पालकी पर उठाएंगे कौन, ऋषिगण महात्मा ब्राह्मण लोग। ठीक है, वो अहंकार में ऐसा पागल हो गया, संतों से अपने पालकी को उठवाने को तैयार हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, संतों की पालकी खुद उठानी चाहिए कंधे पर, और संतों के कंधे पर बैठने को तैयार हो गया, ऐसा पागल हो गया। तो उसने कहा चिंता मत करो, हम ऐसा ही करेंगे, और समस्त ऋषिगणों को महात्माओं को बुलवा करके पालकी सजवा करके कहा इसे उठा के चलो, आज मेरा विवाह है, बारात में सब चलेंगे और इसको आप लोग उठाओगे, मैं इसमें बैठकर चलूंगा। और जो है उसमें नहुष महाराज बैठ गए। बैठकर जब चले हैं तो इनको तो पालकी उठानी आती नहीं, इन्होंने तो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जीवन भर जब किया
और जीवन भर भगवान की चरणों की प्रीति में अपना मन लगाया। ये कहां मजदूरी करेंगे, इनको पालकी जैसे तैसे उठाते हैं, शरीर जो है इनका साथ नहीं दे रहा, तो ये चलते हैं बड़ा धीरे धीरे। अब देखो राजा को और भी ज्यादा ऐसा लगता है, मेरा एक एक क्षण जो है एक एक घंटा बीत रहा हो उसे जल्दी लग रही है। वो कह रहा जल्दी चलो जल्दी चलो, और बड़े बड़े जो महात्मा है उनको उसने आघात कर दिया, पैर से मार दिया, किसी को हाथ से मार दिया। अब तो ये सारे ऋषिगण महात्मा गण बड़े क्रोधित हो गए कि देखो कितना दुष्ट है, हमने तो उसको राजा बनाया और अब ये हम पर आघात करता है, कभी पद आघात करता है, कभी हाथ से मारता है। अरे तेरे अंदर तो इतना ज्यादा क्रोध है, विष है, तू कहां इस योनि में मनुष्य योनि में घूम रहा, तू तो विश्व में था, विषधर अजगर होना चाहिए, जा अजगर हो जा। और जैसे ही श्राप महात्माओं का लगेगा वो 100% प्रतिफल होगा। तो वो एकदम से अजगर बना और अजगर बन करके वो पाताल लोक की तरफ उसका प्रस्थान हुआ। तो यहां पर शिक्षा मिलती है, कभी भी संतों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अहंकार विहीन होकर के भजन करना चाहिए। जितना हृदय हमारा निर्मल होगा उतना ही प्रेम हमारे हृदय में आएगा। धन्यवाद। वंशा कल का कथा, कल कथा कौन सा याद थोड़ा बहुत याद, आज सवेर सवेर का कथा है, कल का कथा था, कल कथा नहीं हुई ना, आ जा तुम्हारे याद है। अज्ञातिभिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसने गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पत्नी परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप चंद्रांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानंद गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम गुरुदेव के मुखारविंद से दशम स्कंद के अंतर्गत कृष्ण की दामबंधन लीला श्रवण कर चुके थे। दामबंधन लीला के अंत में हमने किस प्रकार श्रवण किया था, एक फल बेचने वाली जो कृष्ण के दर्शन करने के उद्देश्य से आई थी और उसके अंदर जो कुछ शिक्षाएं थी वो हम श्रवण कर रहे थे। जब वो फल बेचने वाली आई थी, पहले दिन आई, दूसरे दिन आई, इन दो दिनों तक भगवान कृष्ण ने उसको दर्शन नहीं दिए, अपितु उनके सखा वहां पर आए और उन्होंने सखाओं को फल खिलाए। यहाँ पर मानो भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि अगर मुझे कोई खिलाना चाहता हो तो पहले मेरे भक्तों को खिलाओ, मेरे सखाओं को। और उनके सखाओं को जब फल वाली ने खिलाया, पहले दो दिनों तक उनकी सेवा करी, तब जाकर तीसरे दिन भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। जब तीसरे दिन वो फल बेचने के लिए घर से निकली थी, वो संकल्प करके निकली थी कि आज अगर मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं ये जीवन धारण नहीं करूंगी। और फल बेचने के लिए जब निकली अपने घर से, क्या पुकार रही है, गोविंद कौन लेगा, गोविंद कृष्ण कौन लेगा, दामोदर कौन लेगा, फल बेचना भूल गई, वो कृष्ण का ही नाम ले लेकर पुकार रही है। तो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, मानो पागलों की भांति जिस प्रकार वो फल वाली पुकार रही है, अगर किसी को कृष्ण प्राप्ति की इच्छा हो उसको भी पागल बनना पड़ेगा। हाँ, गुरुदेव बता रहे थे किस प्रकार कोई पागल है बेटा नारी के, कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये सारे पागल कौन है, ये सब झूठे पागल है। क्योंकि सच्चे पागल कौन है, जो पागल है बाकी बिहारी के, जो भगवान कृष्ण के लिए जो पागल है वो ही सच्चे पागल है। जिस प्रकार ये फल बेचने वाली ने तीसरे दिन पूरे उन्मत्त होके और कृष्ण नाम ही पुकारने लग गई। भगवान कृष्ण ने जब इसको दर्शन दिया उसके बाद में इसकी गोद में बैठे थे, किस प्रकार झट से उसको मां बोल के उसकी गोद में बैठे और उनसे सारे फल ले लिए। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पर इसकी पूर्वजन की कथा बतलाते हैं कि क्यों कृष्ण उनकी गोद में बैठे।
त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास की तरफ गए थे, वनवास में उनकी भेंट निषाद राज से हुई थी। अभी निषाद राज अपने परिवार का परिचय देते हुए बता रहे थे कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, ये मेरे भाई। तो निषाद राज की जो माँ थी, निषाद राज की माँ के हृदय में इच्छा हो गई, उनके मन में इच्छा हो गई, वो राम का स्वरूप देखकर बड़ी मुग्ध हो गई और उनके मन में इच्छा हो गई कि क्या ये मेरा बेटा बनेगा, क्या ये मुझे भी माँ बोलेगा, क्या ये मेरी गोद में बैठेगा। ऐसी उस निषाद राज की माँ की इच्छा हो गई। भगवान राम अंतर्यामी है, उन्होंने कि लेकिन इस अवतार में क्या मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार दिए, इसके अंदर केवल कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को ही मां स्वीकार किया। मानो भगवान राम ने इस निषाद राज की मां की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही उसे द्वापर युग में बुलाया और वही ये फल बेचने वाली बनी है। अभी इस लीला में भगवान कृष्ण उनकी गोद में बैठकर और उसको मां कहा। इस प्रकार भगवान ने कई अनेक मीठी मीठी लीलाएं करी। बाद में एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने घर में भोजन बनाकर ठाकुर को भोग लगा दिया और अभी कृष्ण बलराम की अपेक्षा कर रही हैं। अभी यशोदा ने एक दिन रोहिणी से कहा कि तुम जाके कृष्ण बलराम खेल रहे थे उनको ले आओ। रोहिणी अभी वहां जाती है और कृष्ण बलराम खेल में इतने उन्मत्त थे कि वो उनको रोहिणी के हाथ नहीं आ रहे हैं। कृष्ण मामा अगर कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा करती तो बलराम भाग जाते, बलराम को पकड़ने की चेष्टा करती कृष्ण भाग जाते। वो थक खाके रोहिणी वापस आ गई और कहती बोले यशोदे तुम ही जाओ, मेरे बस का ये नहीं है। जब मैया यशोदा वहां पर जाती है उनको पता है किस प्रकार बच्चों को पकड़ना है। अभी यहाँ पर यशोदा मैया पुकारती बोले कृष्ण बलराम, बोले पिताजी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, आज तुम्हारी जन्म नक्षत्र है, आज तुम्हारी जन्म तिथि है, तुम्हारे हाथ से स्पर्श करवा के ही क्या सारे ब्राह्मणों को गोदान देंगे, उनको दान दिया जाएगा, इसलिए तुम जल्दी जल्दी चले जाओ, पिताजी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण बलराम को बोलते बोले देखो तुम्हारे साथ वाले सारे सखा ये सारे कितने स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र पहन के और रेडी हैं, लेकिन तुम दोनों अभी तक स्नान भी नहीं किया। जब कृष्ण बलराम देखते हैं कि हमारे साथ के मित्र सब तैयार हो गए हैं तो प्रतिस्पर्धा में मानो कृष्ण बलराम भी दौड़े दौड़े वहां से चले आते हैं और मां उनको लेकर चली जाती है घर में। कभी कभी होता है मां उनको डराती है कि कृष्ण बलराम को बोलती बोले देखो तुम्हारे पीछे हाउ बिलाव, ब्रज में गए हो ना वहां पे दो भूत है तो हाउ बिलाव तुम्हारे पीछे आके बोले कहा, बोले एकदम पीछे खड़ा है, जल्दी जल्दी मेरे पास चले आओ। तो बच्चे कृष्ण बलराम दोनों डर के और जल्दी जल्दी आते हैं, मां को आलिंगन कर लेते हैं, मां उनको घर में ले जाकर स्नान इत्यादि करवा के और नंद बाबा के साथ में दोनों बच्चे गोद में बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम और हाथ में क्या खा रहे हैं, कभी दूध चावल कभी दही चावल, एक और नंद बाबा स्वयं खाते हैं, एक और कृष्ण को खिलाते हैं, एक और बलराम जी को। कभी नंद बाबा यहाँ पर मिर्ची खा रहे थे, गुरुदेव एक लीला बता रहे थे पुराणों से कि कभी नंद बाबा मिर्ची खा रहे थे और कृष्ण को वो देखकर क्या करते हैं, बच्चों को तो खिलाएंगे नहीं तो बीच बीच में खाते और चावल में छिपा देते। अभी कृष्ण के मन में इच्छा हुई, लगता है बाबा कोई अच्छी चीज खा रहे हैं, बढ़िया चीज खा रहे हैं और हमसे छुपा रहे हैं। तो उन्होंने दाऊ भैया को इशारा करते हैं, बोले दाऊ भैया लगता है बाबा कोई बहुत बढ़िया चीज खा रहे हैं और हमको दे नहीं रहे हैं, बोले तुम थोड़ा खाकर देखो। बलराम जी वहां बोलते हैं कि बोले मेरी ये नटखट करने वाली लीला तुम ही करो, मेरे से नहीं होगा। तभी कृष्ण क्या करते हैं, नंद बाबा की आंख को बचाते हुए और मिर्ची पूरी की पूरी खा लेते हैं। अभी मिर्ची मुंह में रखते ही बहुत ही उनको तीखा लगता है, तीखा करते ही तो कृष्ण नृत्य करना चालू कर देते हैं। इस प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण ने अपने ब्रज में करी और सभी ब्रजवासियों को मोहित कर दिया। अभी एक दिन सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर चिंतन कर रहे हैं, सोच विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम जब से यहाँ गोकुल में रह रहे हैं हमारे लिए बड़ा प्रतिकूल हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले कूतना आई, बाद में अगासुर आ गया, शकटासुर आ गया, तो ये सारे एक बार तो असुर असुर आ रहे थे। अभी कुछ समय पहले तो क्या हुआ, यहाँ के जो वृक्ष थे ये वृक्ष भी हमारे प्रतिकूल हो गए, किस प्रकार बड़े ही भाग्य था इस वजह से हमारा काना बच गया। उनकी सारी चेष्टा क्या रहती थी, ब्रजवासी वो लोग ब्रजवासी जिनका मन प्राण धन केवल कृष्ण के हित के लिए ही है, तो ये सब चिंता कर रहे हैं कि ये स्थान हमारे रहने के उपयोगी नहीं है। कोई वहां पर वृद्ध ब्रजवासी थे, वह कह रहे थे कि जब से इस कृष्ण का जन्म हुआ है उससे पहले हम क्या करते थे, विष्णु का नाम कीर्तन कर लेते थे, कभी उनकी कथा होती थी कभी उनका कीर्तन भी हो जाता था, लेकिन जब से इस लाला का जन्म हुआ है तब से दिन भर इसी की चर्चा होती है, किस प्रकार आज कृष्ण ने मक्खन चुराया, आज ये असुर आ गया, आज पूतना आ गई, आज शकटासुर आ गया, आज कृष्ण को मैया ने बांध दिया, इस प्रकार पूरे दिन भर इस लाला की चिंतन होता है, इस लाला की चर्चा होती है। तो हमारा विष्णु का, क्योंकि हम विष्णु का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो हमारा अपराध हुआ है, लगता है इसी वजह से
हमारे लिए ये स्थान बड़ा प्रतिकूल हो जा रहा है, हम यहाँ रह नहीं पा रहे हैं। तो सभी ब्रजवासियों ने यहाँ पर शिक्षा देते हुए गुरुदेव बतला रहे थे कि कृष्ण कौन है, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारणम। वे यहाँ ब्रजवासी सोच रहे हैं कि हम विष्णु का कीर्तन करते थे उससे हमारे शांति थी, लेकिन विष्णु कौन है, कृष्ण के अंश के अंश के अंश है। हाँ, और यहाँ पर मूल अवतारी कृष्ण ने ही स्वयं नंद के घर में जन्म लिया है, तो आनंदगत कृष्ण उनके पास में, लेकिन ब्रजवासियों की क्या भावना है, वे भगवान नहीं, ये तो हमारा छोटा लाला है, उनकी यही मानसिकता है। ब्रजवासी यहाँ सोच रहे हैं कि हम इस स्थान को परित्याग कर देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। अभी वहां पर उपानंद थे सबसे बड़े, वो उन्होंने कहा कि यहाँ पास में एक बड़ा सुंदर स्थान है वृंदावन, हाँ, जहाँ पर बड़ी ही सुंदर यमुना कलकलनाथ से बह रही है, पीने को मीठा पानी है, बड़े बड़े मैदान है बच्चों के खेलने के लिए, हरी हरी घास है गैया को चरने के लिए, क्योंकि ये कौन है, ब्रजवासी है। ब्रज का अर्थ क्या बताया था, ब्रज गतो, अर्थात जो सब समय चलायमान हो वही ब्रज है। ब्रज क्योंकि ब्रजवासियों का असली धन क्या है, गैया, तो जब एक स्थान पर रहते थे वहां पर गैया हरी घास खा के जब खत्म कर देती थी तो ब्रजवासी किसी और जगह पर चले जाते थे। तो यहाँ पर उपानंद जी कहते हैं कि पास में गिरिराज गोवर्धन है, वृंदावन का स्थान है, बड़ा ही रमणीय स्थान है, तो हम लोग वहां चला जाने, हम लोग को वहां चले जाना चाहिए। बोले शुभम शीघ्रम, देरी क्यों, हम लोग कल नहीं, हम लोग आज ही प्रस्थान करेंगे। पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दिया और सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों पर, जो वृद्ध ब्रजवासी थे सब बैलगाड़ियों पर विराजमान हो गए, सारी औरतें बैलगाड़ियों पर अपने बच्चों के साथ बैठ गई, सारे जवान जो गोप थे सभी ने हाथ में धनुष और शंख इत्यादि मृदंग इत्यादि लेकर और गीत करते हुए गान करते हुए वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वनम वृंदावनम नामम पश्यवम नवकाननम गोप गोपिका गावाम सेव्यम पुण्य नृता विरोधिता। कि नाम क्या है, वनम वृंदावनम नामम, कि वहां बड़ा सुंदर स्थान है जहां पर हरी हरी घास है, जहां पर बड़े सुंदर सुंदर मैदान है, और जब सारे ब्रजवासी इस तरह से जा रहे हैं, जब काली गैया चल रही है, अनेक अनेक लाखों लाखों गैया है, तो काली गैया जब चल रही थी ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमुना बह रही हो, जब सफेद गाय चल रही थी उसको देखकर लग रहा था मानो गंगा बह रही हो, और कृष्ण यशोदा रोहिणी और बलराम ये चारों एक बैलगाड़ी पर बैठे हैं। एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे जब जा रहे हैं, कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मयम को कृष्ण का विरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, उनको एक क्षण के लिए भी कृष्ण से दूरी बर्दाश्त नहीं, इसलिए एक ही बैलगाड़ी में बैठ के अभी जा रहे हैं। अभी बच्चे जैसे जब नई नई चीज देखते हैं तो उनके मन में बड़ा कुतूहल होता है, कृष्ण भी इस प्रकार रास्ते में जैसे जो जो भी वस्तु देख रहे थे उसको पूछकर मैया से पूछते हैं, बोले मैया ये कौन सा पेड़ है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो मैया यहाँ पर उत्तर देती है, बोले बेटा ये बरगद है लाला, ये बरगद का पेड़ है। बोले मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसके पत्ते हमेशा हिल रहे हैं, बोले बेटा ये पीपल का वृक्ष है। मैया ये कौन सी चिड़िया है जो बड़ी सुंदर कू कू शब्द कर रही है, बोले बेटा ये कोयल है। बोले मैया ये कौन सा जानवर है जिसके शरीर में बड़ी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, बोले बेटा ये हिरण है। बोले मैया एक के तो सिंह है और एक के सिंह नहीं है, जो बोला कि ये जो सिंह है वो पुरुष है, जिसके सिंह नहीं वो स्त्री है। बोले एक दूसरे की क्या लगते हैं, बोले ये बिना सिंह वाली पुरुष वाले की पुरुष की दुल्हन लगती है। तो उसके बाद में आगे जाते हैं तब पूछते हैं, बोले मैया ये कौन सा पक्षी है जिसके बड़ी सुंदर चित्रकारी है, जिसके बड़े सुंदर पंख है। मैया कहते हैं, बोले ये मोर है। बोले मैया एक के पूंछ है और एक के नहीं है, बोले हाँ बेटा जिसके पूंछ है वो पुरुष है, जिसके पूंछ नहीं वो स्त्री है। एक दूसरे के क्या लगते हैं, बोले ये वाली उसकी दुल्हन है। बोले मैया सबकी दुल्हन है, मेरी दुल्हन कब आएगी। कृष्ण इस प्रकार मचल जाते हैं, तो यहाँ पर बैलगाड़ी पर ही मानो कृष्ण जिद करने लग जाते हैं कि मैया मुझे अभी दुल्हन ला के दो। वहां पर सारी ब्रज गोपियां, जो वृद्ध ब्रज गोपियां हैं, वो घूंघट निकालकर बैठ जाती है और मैया कहती है, बोले छांट लो तुमको कौन सी दुल्हन चाहिए, अभी कृष्ण वहां जाकर अपनी दुल्हन पसंद कर लेते हैं। इस प्रकार वह बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते करते वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुख सुखात्वहम्। यहां बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि उन्होंने जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन में किस प्रकार प्रवेश किया, संप्रविश्य, अर्थात वृंदावन धाम क्या है, वृंदावन धाम में प्रवेश करना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि वृंदावन धाम कैसा है, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, वहां के हर एक पेड़ कल्प वृक्ष स्वरूप है, वहां की भूमि क्या है, चिंतामणि है।
तो वहां पर वृंदावन संप्रविश्य अर्थात सम्यक रूप में प्रवेश किया उन्होंने वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के अंदर प्रवेश करने के लिए शंकर जी भी साक्षात तपस्या कर रहे हैं। जब शंकर जी भगवान की रासलीला को दर्शन करने के लिए आए तो गोपियों ने उनको गुलचे मार मार के और बाहर निकाल दिया, उनको भी प्रवेश नहीं, वहां पर अभी भी शंकर जी बाहर रहकर ईशान कोण में रहकर तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी भी भगवान की अनुशयनी लक्ष्मी ने भी प्रार्थना की कि उन्हें रास में प्रवेश मिले, लेकिन अभी भी वो बेलवन में तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी के लिए हमने श्रवण किया था, क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, तद भूरी भाग्यम यह जन्म के मतभ्याम यद गोकुल अपे कथमांगरी रजो अभिषेकम, कि मुझे गोकुल मुझे ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनके घर के बाहर का पत्थर बना दो। ब्रह्मा जी के लिए भी प्रवेश नहीं है, उद्धव जी के लिए भी प्रवेश नहीं है, इसलिए वृंदावन धाम की अनेक महिमा है। यहाँ पर इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वृंदावन संप्रविश्य, कि उन्होंने सम्यक रूप में सब ब्रजवासियों ने, क्योंकि ये कौन है, ये साक्षात ब्रजवासी है, इनके लिए बड़ा सुलभ है धाम में प्रवेश करना, ये तो वहां के नित्य ब्रजवासी है। तो वृंदावन संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन धाम कैसा है, सर्वकाल सुखावहम। जैसे हम वृंदावन धाम अब अगर अभी जाएंगे तो वहां भी बड़े ठंडा है, हाँ अगर गर्मी के समय में जाते हैं बड़ा गर्म लगता है, लेकिन वृंदावन धाम क्या ऐसा है, वृंदावन धाम कैसा है, सर्वकाल सुखावहम, कि वह सब समय सुखदायक है। लेकिन हम लोग को यह अनुभूति नहीं होती, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी वृंदावन में वास नहीं करते, अगर हम वहां जाते भी हैं तो हम उसको जड़ दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के लिए वह वृंदावन धाम सर्वकाल सुखावहम है। इसके आगे गौरवानंदे हरिहर ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माध भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग आज सवेरे श्रवण कर रहे थे कृष्णा जब थोड़ी सी बड़े होते हैं कैसे पिता माता को पास में पिताजी को पास में मचल जाते हैं, बोले पिताजी हम कृष्णा बलराम दोनों बड़े भाई हो गए बड़े हो गए। अगर बेटा बड़ा हुआ बड़ा है और अभी उनको पिताजी वृद्धा उम्र में काम करते हैं बड़ी शर्म की बात है, इसलिए आप अभी घर में बैठ करके भजन साधन करो, हम कृष्ण बलराम दोनों भैया हम गैया चलवाएंगे। इसको सुन करके नंद बाबा का हृदय प्रेम में गदगद हो गया, मेरे लाला कितने अच्छे देखो हैं, कहते पिताजी आप घर में बैठ कर भजन करो भक्ति करो हम दोनों भाई सारे काम को संभालते हैं। अगर पिताजी बात सुनेगा तो खुश होगा कि नहीं, खुश होगा कि नहीं, खुश हो जाएगा, वाह हम तो चाहते हैं ऐसे लाला बननी चाहिए जो पिता माता को बोले भजन करो हम दोनों काम करते हैं। लेकिन नंद बाबा बोले बेटा हमारे घर में क्या नौकर चाकरी का कमी है, इसलिए जरूरत नहीं अभी तुमको गैया चरवाने का, हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर है। इतने में कृष्ण कहते हैं बोले पिताजी हम लोग गोपाल है, गोपाल मतलब क्या, जो गैया को पालना करते हैं हम गोपाल है, हमारे धर्म है देवत हमारी जो इष्ट ये गैया है इनकी सेवा करना हमारे धर्म है, इसलिए पिताजी हम जरूर गैया चरवाएं। इतने मचल गए बोले ठीक है बच्चे तुमको गैया चराने का जरूरत नहीं, पहले बछड़ों को लेकर के ज्यादा दूर नहीं थोड़ी दूर जा करके खेल कूद कर वापस चले आना। बोले सांडिल्य को बुला करके सम दिन निकाले गोपाष्टमी की दिन कार्तिक महीना की गोपाष्टमी बहुत शुभ दिन था, बोले उसी दिन तुम दोनों
गैया चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए जाना। इतने में मैया ने बोली, हम सबर तो बहुत कथा सुने थे, मैया बोली देखो लाला अभी जाओगे गैया चराने के लिए, जंगल में घूमोगे, धूप है, फिर वहाँ पर कंकड़ है, कांटा भी है, तुम दोनों के लिए एक एक छतरी और दो दो जुत्ती तुम्हारे लिए बना देती। बोले भैया गैया हमारी इष्ट है, गैया गो सेवा करना हमारे धर्म है, जो हमारी इष्ट गैया वो पहनेंगे नहीं जूते और छतरी उनको नहीं, हम उनका सेवक होकर जूती छतरी धारण करेंगे। नहीं भैया, अगर हम दोनों के लिए छतरी अगर जूती बनाना चाहती हो, सबसे पहले क्या करो, पहले हर गैया के लिए चार चार जूती और एक एक छतरी बना दे, फिर हमारे लिए बाद में फिर जूती और हमारे लिए छतरी बना देना। जब कृष्ण ऐसे बोले ना, मैया इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बोले देखो लाला कितने बुद्धिमान है, कितना चतुर है। इसलिए कृष्ण ब्रज में कभी छती छत्री कभी ज्योति कृष्ण धारण नहीं किए, इसलिए वृंदावन ही ऐसे के भूमि है। इसलिए कहते जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, इसलिए ब्रज का इतने सौभाग्य है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते जयति जयति वृंदारण्य मिथद मुरारे विरमित निज धर्म वैकुंठ वासात, वैकुंठ सभी श्रेष्ठ वास श्री वृंदावन वास है। कहते जयति जयति वृंदारण्य मिथद मुरारे, वृंदावन धाम के कितने सौभाग्य है, हर भगवान जूती धारण किया, हर भगवान के देखना पैर में, राम के पैर में भी खड़ा हो देखोगे, नारायण का पैर में भी खड़ा हो देखोगे, लेकिन एक कृष्ण को पैर में देखोगे खड़ा हो जूती, कृष्ण को पैर में नहीं। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में भ्रमण करते थे, इसलिए कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी इतने खुश हो जाती थी। जो घास है ना, कहते ये घास नहीं, ये पृथ्वी आनंद में इनका रंगेट खड़े हो रहा है। जो झरना बहती थी, बोले झरना नहीं, जैसे आनंद से आंखों से आंसू बहती हैं, इनके आंखों से ये आंसू बह रहे हैं, ऐसे ही वृंदावन धाम की महिमा। इसलिए कृष्ण जूती और कृष्ण छतरी धारण नहीं किए और कृष्ण गोचारण करने के लिए गए। हम सवेरे से बात को सुने थे, तब उन्होंने चलते चलते उन्होंने बकासुर को वध किया है। इसलिए हम लोग सवेरे श्रवण कर रहे थे कि बक कौन है, बगुला कौन है, हम सुन रहे थे ना। देखना बगुला जब खड़ा होता है एक पैर में खड़ा होता है, ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़ा कोई तपस्वी योगी है, थोड़ी सी इधर उधर हिलेगा नहीं, लेकिन बैठा तो चुपचाप। बोले क्यों, बोले कब मछली आए, मछली को पता नहीं चले यहाँ पर कोई बगुला खड़ा हुआ है, जब सामने मछली आता ना झट पकड़ लेगा है, इसका मतलब उसका बाहर और एक भीतर एक है। इसलिए कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं कि बकासुर को वध करके भगवान शिक्षा दिया, जो कपटता है भक्ति करने के लिए कपटता को दूर रखनी चाहिए। हम दिखाने के लिए एक दिखते हैं लेकिन अंदर में और कुछ है, ये चीज हमें छोड़ देनी चाहिए। बाहर भीतर हमें एक होकर के भगवान की भजन करनी चाहिए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सरलता अपरता नाम वैष्णवता, मतलब है वो व्यक्ति उतना ही साधु है जिसका हृदय जितना सरल है। कहते संतो कहते ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी निपरा कहीं न जाना है। इसलिए कहते कि बच्चा का हृदय एक संत का हृदय बराबर होता है। बच्चे जैसे सरल होता है ना, उनके हृदय में कोई भी बुलाए इसको गोद में चले जाते हैं, ये संत भी वैसे ही संत बड़े सरल होते हैं ये संत लोग। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, बकासुर को उन्होंने वध किया, लेकिन जब उन्होंने निगल गया था, हम लोगों ने श्रवण किया था, उसको ऐसे लगा जैसे कोई लोहे का पिंडला कोई, फिर उसने उल्टी कर दिया। कहते अभक्त भक्त में यही फर्क है, जिन भगवान को संत लोग हृदय में धारण करते हुए हृदय को इतने आनंद लगता है, आनंद में डूब जाते हैं भगवत स्मरण करते हुए, लेकिन बकासुर अपना हृदय में भगवान को धारण करते हुए क्या लगा, जो कि कुछ लोहे की जो गर्म कोई पिंडला मेरे हृदय में आ गया, इसलिए इतने में उन्होंने उल्टी कर दिया। यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे मिश्री, मिश्री तो मीठा है लेकिन ये मिश्री किसी किसी को कड़वा भी लगता है। बोले किसको कड़वी लगती है, बोले जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, पीलिया की बीमारी हो जाए, मिश्री भी उसको कड़वी लगती है। उसी तरह भगवान तो मीठे हैं, इसलिए तो मधुरम मधुरम मेतर मंगलम मंगला नाम, भगवान का हर चीज मधुर है। इसलिए वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, बोले आधरंग मधुरम बादनंग मधुरम हासितंग मधुरम गमनंग मधुरम
हृदय मधुरम गमनंग मधुरम मधुर दीपते राखिलंग मधुरम। इसलिए कृष्णा पूरा पूरा जैसे रसगोला है ना, जिधर का उधर मिठाई मिठाई है, इसलिए जिधर भी कृष्णा उनका हंसना चलना बोलना उनका सब मिठाई मिठाई है कृष्ण का। लेकिन कंसों को मीठा लगता था, भगवान राम मीठे रावण को मीठा लगता था, शिशुपाल दत्त पर को कृष्ण मीठे लगते थे, कंसों को मीठा लगता था, वो अपना शत्रु भागता था। क्या भगवान का मीठा है लेकिन मीठा सबको नहीं लगता है मीठा, इसलिए ये बकासुर कपट का प्रतीक है, इसलिए भगवान को ये मीठा नहीं लगा। हृदय में लेकर के भी हृदय से बड़े बड़े जोगी लोग क्या चाहते, भगवान का अपना हृदय में बैठाए, लेकिन ठाकुर जी उसको अंदर में चले गए, हृदय में चले गए, लेकिन उसको क्या लगा, जैसे कोई लोहे का जैसे पिंडला कोई, उसने उन्होंने भगवान को उल्टी कर दिए है। इसलिए कृष्ण ने बकासुर को वध किया, तब जब मार दिए ना तब ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं, बोले देखो बिना कारण से कारण ये दैत्य लोग हमारे लाला को पीछे हाथ धोकर पड़े। एक उदाहरण देते हैं, देखना जब कोई आग जलती है ना, पतंग क्या करते हैं, सब उड़ उड़ कर जाकर के आग में गिरते हैं, कहते उसी तरह ये राक्षस लोग भी कृष्ण रूपी अग्नि में ये सब के सब, हाँ कहते ना जो जिस किसी दूसरे को कोई अगर बुराई सोचता है, एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे को बुराई सोचता है तो आता है उसको तो बुराई नहीं होता, इसका बुराई उल्टा होता है, हैं? इसलिए कहते कृष्ण तो हमारे किसको बुराई नहीं सोचता है, इनकी बुराई जो सोचते हैं जैसे आग में पतंग गिर करके जल करके भून जाते हैं, उसी तरह जो आते हैं सबके सब मर जाते हैं। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। इसलिए यहाँ पर श्री ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं, बोले इति नंदादय गोप कृष्ण राम कथा मुदा कुर्बन्तो रम मानश्च नाभितंत भव वेदना। ये सब के सब ब्रजवासी है, इसलिए ब्रजवासी होने का वजह से ये दिन रात कृष्ण चिंतन कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन छोड़कर कुछ भी नहीं करते हैं। अभी भी आप कभी ब्रज में जाओगे ना, देखें जिस कुछ माताएं कहीं जा रहे हैं इतना घूंघट ओढ़ा करके उतार करके जब जा कृष्ण की वही कीर्तन करते करते जाते हो, देखो हैं कहीं भी जाते हुए देखेंगे अगर तो 8-10 हो गए ना, बस कृष्ण कीर्तन कृष्ण नाम कीर्तन करते करते जाते हैं। इसलिए कहते हैं इति नंदादय गोप कृष्ण राम कथा मुदा, ये नंदाद जितने गोप है कृष्ण राम की जो सुंदर सुंदर कथा में ही एकदम दिन रात उसमें ही डूबे रहते थे, दिन भर कृष्ण कथा छोड़ कर उनको कोई कथा नहीं बोलते, बोले कुर्बंत रम मानश्च नाभिन्दन्त भव वेदनाम। इसलिए चूंकि कृष्ण कथा में ही ये रमण करते थे इसलिए इनको पर कोई भव वेदना नहीं। भव वेदना मतलब क्या, भव मतलब होता है भू धातु से हुआ भव, भव मतलब होता है होना, होना मतलब क्या, बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर सेना। ये संसार क्या है, जन्म लो फिर मरो फिर जन्म लो फिर मरो, और संसार में आए तो दुखी दुख होकर, ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुख ही दुखी सहने का, दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुखी दुखी सहने का, केवल दुखी दुख है। किसी व्यक्ति को पूछो कैसे, हाँ मुंडी हिलाएंगे ठीक ठाक, लेकिन अंदर की बात पूछो, अंदर में आग जलते हुए देखो, अंदर में जबकि आग जलते हुए, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बोले राम मानश्च नाबिंदम भव वेदनाम। लेकिन ये दुख किसको नहीं होता है, देखो कितने बढ़िया बात कहते हैं, बोले ये दुख उनको नहीं होता है जो हर समय प्रभु की कथा कीर्तन में लगे हुए हैं। हम जैसे उदाहरण देते हैं ना, हम संसार में सब दुख दुख है, लेकिन अभी तक जितना समय तक सत्संग में बैठोगे कोई संसार का दुख तुम्हें याद किया है, कोई संसार का दुख तुम्हें याद नहीं, क्यों, जो कथा में बैठा है ना वो ठाकुर का गोद में बैठे, ठाकुर जी की गोद में ठाकुर जी के चरण में बैठे हो, केवल ये कथा से उठते ही गेट पार होते ही घर में जाने पर ये दिक्कत, घर में ये हो रहा है, बेटा का ऐसे बेटी की ऐसे बहू की ऐसे पति का ऐसे बच्चों का ये नहीं हुआ सारे दिवस। लेकिन एक आश्चर्य की बात क्या है, भगवान की कथा में तो आनंद है लेकिन लोग पास में रहते हुए कथा नहीं,
फिर कुछ कुछ माताएं बड़े दूर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल चल के जाते हैं, लेकिन ये पास में कुछ भक्त लोग रहते हैं, लेकिन तभी कथा में नहीं आते, तभी कथा में नहीं आते हैं कथा में, हैं? क्योंकि जो कथा है ना, जैसे किसको पर भूत लग जाए ना, वो ओझा के पास में नहीं जाता, ये सब हमारे पर भूत लगा हुआ है, माया भूत लगा हुआ है, जो मंदिर है ना कथा की ओझा है जो भूत को भगाने वाले, लेकिन भूत सहज में उसके पास में नहीं जाते, भूत चूक नहीं जाए, हैं? इसलिए जो भगवत कथा को कौन श्रवण कर पाते हैं, भगवान कहते जन्मानाम भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ, करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य पुण्य उदय होगा तभी कथा में कोई बैठ सकता है, साधारण व्यक्ति कथा में नहीं, खुजली वजन लग जाएगा, कब कथा खत्म होगी, कब जाएंगे, कब माया में जाएंगे, माया की डंडा कब गिरेगा हमारे घर में, माया की डंडा कब गिरेगा, माया में कब चलेंगे, है संसार में सबका दुख सबका डंडा पड़ता है, घर की सेवा हम करते हैं, पत्नी पिटाई करती है, बच्चे भी उल्टा इतने बोलते हैं, वो भी गाली देते सब, लेकिन ये गाली में ही उसमें लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु की कथा उनकी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कद नाबिंदते भव वेदनाम, जो भव वेदना है संसार का जो दुख कष्ट है, क्यों चुके दिन भर कृष्ण चर्चा करते थे उनको ऊपर में कोई संसार का कोई प्रभाव उनके ऊपर में नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्र बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे, यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं अगर कोई बाहर से आता था, लेकिन ये ब्रजवासी दिन भर क्या करते थे, आज कन्हैया ने मक्खन चोरी की, आज कृष्ण हमारे घर में आए, कहते ना आज आज श्याम सपने में आयो धैया पी गई सारा, आज श्याम सपने में आयो जब श्याम मेरी मटकी फोड़ी मटकी भर गई सा, कहते ना ये ब्रजवासी केवल ये नंद बाबा आदि ना दिन भर केवल कृष्ण बलराम कथा और कोई कथा ही नहीं ब्रज में, जब कोई बाहर से आते थे नंद बाबा बोले बाबा नंद बाबा क्या कर रहे हो, हैं पहले सब जानते थे ना ये जीवन 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है, ठाकुर बारंबार ये जीवन नहीं देते, ये जीवन पाकर भगवान का नाम करो भक्ति करो भजन करो, क्यों पहले सब रामायण भागवत गीता पढ़ते थे, सारे शास्त्र में यही बात बताया ये जीवन दुर्लभ है, ये जीवन को इधर उधर बात में मत बिताएगा, जीवन को प्रभु भजन में लगा है, इसलिए जब कोई बाहर आते थे बोले नंद बाबा क्या कर रहे हो, दिन रात कोई विष्णु का कथा है नहीं, बोले कृष्ण ऐसे किया बलराम ऐसे किया, दिन भर कृष्ण बलराम की कथा, अरे थोड़ा भगवान की विष्णु का भजन करे तो, क्योंकि ब्रजवासी है ना कृष्ण को तो अपना लाला मानते हैं, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना भैया दिन भर क्या कचड़े में पड़े हुए हो, थोड़ा भगवान का नाम लो भगवान की भक्ति तो करो, क्या ये माया की मोह में पड़े हुए, इसलिए बाहर व्यक्ति आकर कहते क्या कर रहे हो, क्या दिन भर कृष्ण कथा राम कथा कुछ है ही नहीं, अरे थोड़ा विष्णु का तो नाम क्या करो भगवान की भक्ति तो करो, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र कहते हैं हाँ, कहते जो ब्रजवासी है जो ब्रजवासी है कहते सबके सब कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए यद्यपि ये दिखता है जैसे भव संसार जैसे लगता है जैसे संसार जैसे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं नहीं उनको अज्ञान संभव नहीं, ब्रजवासियों के बारे में कोई अज्ञान मोह की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दिखता है क्या जैसे ये कृष्ण कथा राम कथा कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनको बैठा है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि तो इनकी भजन करने के लिए चाहते हैं, इनकी भक्ति इनकी संसार की कोई बंधन है नहीं, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक अच्छी बात बताया, क्या बताया बोले जय दीन गृह है भजन देखे गृह ते गोलक भाया प्रसाद सेवा करिते आया सकल प्रपंच जाया शोध भक्त चरण रेणु भजन आनो को, हाँ देखो ये चीज को समझ गया ना हमारे बेड़ा पार है, कहते यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाय, इसका मतलब है जिस दिन घर में हमारी हरि कीर्तन हरि कथा हो, अगर हमारे पूरा के पूरा परिवार कृष्ण भक्ति करते हैं, बेटा भी करती है करता है, बेटी भी करती है, पत्नी भी करती है, पति भी करता है, घर में सबके सब ठाकुर का नाम कीर्तन भजन करते हैं, कहते उसका घर घर नहीं उसका घर ही वृंदावन है, क्योंकि अगर भैया ठाकुर के लिए प्रसाद बना कि नहीं घर में, अगर कोई खाना बोले खाना नहीं बना क्या बोलेगा, अब टाइम हो रहा है ठाकुर को भोग लगने का टाइम हो गया है, बहुत ही जल्दी से ठाकुर के लिए क्या बनाओ प्रसाद बनाओ ठाकुर जी के लिए, ठाकुर को भोजन का समय हो गया, तो किसके लिए प्रसाद बना रहे हैं ठाकुर जी,
आज देखो ये तिथि आ गया, आज ये संतों का तिथि है, नियम है कोई संतों का तिथि आए ना उसी दिन में ठाकुर को थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी भोग लगा, जन्माष्टमी राधाष्टमी कोई हमारे गुरुवर्ग का तिथि है आज, देखो आज ये संतों का तिथि है, आज छोटी ठाकुर के लिए अच्छी अच्छी चीज भोग लगा कर वो संतों को भोग लगाओ ना। अगर उनका घर है, घर तो भगवान के मंदिर, क्यों पूरा परिवार भक्ति करता है, अरे ये भगवान के मंदिर में तो झाड़ू लगाएगी नहीं, अगर घर में झाड़ू लगाते तो कहाँ सोचते हैं ठाकुर के मंदिर में। अगर बच्चों को प्यार करते हो लेकिन बच्चों भगवान का नाम ही करना है, भक्ति गलत कंटी तिलक है, कंटी तिलक है, इसलिए अगर बच्चे को, अगर कोई बच्चे को तुम चिंतन कर रहे हो वो भी भजन प्रभु का भक्ति कर रहा है, इसलिए किसका चिंतन कर रहे हो, वैष्णव चिंतन कर रहे हो, इसलिए कहते मरणे जामति सागति। अंतिम समय में भरत महाराज ने हिरण को चिंतन करते करते मरते हिरण बने, हिरण बने, लेकिन अगर जिनकी पूरा परिवार वैष्णव परिवार सब तिलक कंठी माला धारण करते हैं, अगर मरते समय अगर चारों तरफ में घिरे हुए हो वो लोग, लेकिन अगर बेटे को भी देख रहे हो, बहू को भी देख रहे हो, अपना पत्नी को भी देख रहे हो, क्या लगे तिलक लगाए, गले में कंठी है, माला है, अगर इनको अगर स्मरण करते करते जाओगे ना सीधा भगवत धाम में जाओगे, क्यों जिसको आप चिंतन कर रहे हो प्रभु का भक्ति कर रहे हैं, ये सब के सब ठाकुर जी की नाम करते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिस घर में पूरा के पूरा पुत्र परिवार वैष्णव है, कंठी माला तिलक सबके सब सद्गुरु से हरि नाम लेकर भजन कर रहे हैं, उसका घर घर नहीं, उसका घर ही वृंदावन, उसका घर ही वृंदावन। इसलिए क्या करो, सब परिवार को भगवान की भक्त बनाओ, सबके सब भगवान के भजन करें, घर में चर्चा हो तो हरी चर्चा हो, हरी चर्चा छोड़कर कोई दुनियादारी चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं नाम बिंदती भव वेदना, उनको ये जो भव वेदना है जो संसार का दुख कष्ट उसको स्पर्श नहीं कर पाता, क्यों दिन भर कृष्ण चर्चा, कृष्ण नाम, कृष्ण भजन कर रहे हैं सबके सब। कुचित बसनाय मनो मनजत ब्रजम पातम समुथाय बयस बयस्पान प्रबोधयन श्रृंग श्रृंगर बेण चारुणाम विनिगत वत्स पुर सरोहरिः। बोले एक समय अभी कृष्ण बलराम सोच रहे हैं, देखो एक समय वो सोच रहे हैं आज हम लोग को जो भोजन है ना, आज हम घर में भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन हम जंगल में करेंगे, हैं सब साथ में अपना घर का माताएं कोई पूरी कहीं, कोई रोटी, कोई दही चावल, कोई दूध चावल, कोई मालपुआ, कोई लड्डू ले, आज चलो ले चलेंगे साथ में लेकर के, हम आज वन भोजन करेंगे और वन में हम लोग भोजन करेंगे, ये सोच करके कृष्ण ने किया किया हैं, कृष्ण ने किया किया, उन्होंने सवेरे सवेरे उन्होंने सुंदर उन्होंने मधुर उन्होंने वेणु बजाई, जब कृष्ण वेणु ध्वनि की जितने सखा लोग थे कृष्ण का बंसी ध्वनि सुने, ए बंसी ध्वनि सुनकर सबके सब सखा जग गए, बोले कन्हैया उठ गया था, समय हो गया, चलो हम सबके सब गैया चराने के लिए जाएंगे, इसलिए गोवत्स से लेकर के उन्होंने सबके सब घर से निकले, लेकिन जिस दिन निकले उसी दिन क्या था, कल बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र होने का नाते उसी दिन उन्होंने बलदेव प्रभु को नहीं, इसलिए कृष्ण देखना जिस दिन कृष्ण जैसे कालिया देवी कूदे, जैसे गोवत्स हरण हुई, कोई विशेष कृष्ण की जब इच्छा होती थी लीला करने के लिए वो बलदेव प्रभु को नहीं ले जाते थे, क्योंकि बलदेव प्रभु ले जाएंगे तो लीला हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बलदेव प्रभु भगवान है ना सब जानते हैं, इसलिए उनको सामने कृष्ण कुछ उल्टा उल्टा कर ही नहीं सकते, उनको सब कुछ कृष्ण बलदेव प्रभु को पता है, कोई विशेष विषय जब लीला करते थे किया उन्होंने बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र हुआ गए नहीं, फिर कृष्ण अपने आप कुछ लीला कर दी, इसलिए उसी दिन बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र था, इसलिए बलदेव प्रभु लिए नहीं, इसलिए उन्होंने कहते अपना बेत्र अपना श्रृंगा अपना वेणु, कहते वहां कितने गैया थे, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते गैया वहां पर कहते सहस्राधिक, उन्होंने अजूत गोवत्स लेकर के भगवान कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, इतने कहते सहस्राधिक अजूत गोवत्स को लेकर गए, बोले भैया ये अजूत सहस्र कहते हैं किसको, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये अजूत सहस्र किसको कहते हैं, यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने बताए जैसे एक सौ हजार उसके बाद में सहस्र अयुत लाख उसके बाद में न्यूत उसके बाद में कोटि उसके बाद में अर्बुद उसके बाद में बृंद उसके बाद में खरब उसके बाद में निखरब उसके बाद में संख, ये संख्या है,
शंख, उसके बाद में पद्म, उसके बाद में सागर, उसके बाद में अंत्य, उसके बाद में मध्य, उसके बाद में परार्ध। कहते ये परार्ध को जब 10 गुना करोगे ना, परार्ध को जब 10 गुना करोगे तब जाकर के क्या होता है, ये अयुत कहते हैं। आपका पेन साइज खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो एक संख्या बताए ना, जो संख्या है मतलब इतने गैया अर्बुद खरबुद गैया, तो इतने गैया को लेकर कृष्ण गोवत्स करने के लिए गए। तब यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं, बोले भैया हम कहते हैं जो ब्रज मंडल है 84 क्रोश ब्रज मंडल है, आप लोग ब्रज में गए होंगे, इसलिए इतने बड़ी ब्रज है। अभी आप कह रहे हो इतने गैया, फिर इतना गैया है कहाँ, इतने गैया फिर कहाँ है। कृष्ण जब रास किया ना, कहीं कहीं तो कहते 100 करोड़, कितने गोपियों के साथ में 100 करोड़, लेकिन कहीं कहीं आता है 300 करोड़। अभी भारत में कितना लोग है, 125 करोड़ है। और यहाँ पर कहते उन्होंने 300 करोड़ गोपियों को लेकर उन्होंने रास रचा है। फिर कहते भैया वृंदावन तो इतना बड़ा वृंदावन, फिर इतने गैया अगर हो गया तो फिर जगह कहाँ से हो गई। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जो वृंदावन धाम है ना, उसके साधारण धाम नहीं, वो चिंतामन कृष्ण का शरीर जैसे, कृष्ण जैसे अर्जुन को विराट उन्होंने दिखाया, देख विश्व ब्रह्मांड है मेरे में। जैसे कृष्ण अपना थोड़ी सी मुंह खोली, इतना बड़ा मुंह खोले ना कृष्ण, लेकिन इतने बड़े मुंह में मैया ने क्या देखा, कितने चंद्र इंद्र वायु वरुण ग्रह नक्षत्र नदी पर्वत, इतने बड़े मुंह में उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। जैसे कृष्ण का शरीर जैसे अचिंत शक्ति है, कहते धाम भी अचिंत शक्ति। इसलिए कहते जब कृष्ण गोवत्स हरण करेंगे, यहाँ पर कहते हैं जब कृष्ण गोवत्स उन्होंने हरण किया, वहां पर उन्होंने ब्रज मंडल का एक देश में कहते 500 कोटि योजन परिमित अर्बुद खरबुद ब्रह्मांड भगवान उन्होंने ब्रह्मा को दर्शन कराया है। कहते 500 कोटि योजन परिमित, केवल ब्रज की एक कोने में उन्होंने ब्रह्मा जी को दिखाया, जिसको ब्रह्मा देखकर के आश्चर्यचकित हो गई प्रभु की ये लीलाओं को देख करके। इसलिए जो ब्रज मंडल है ये कोई साधारण ब्रज नहीं, ये भगवान का दिव्य धाम से ब्रज मंडल है, अप्राकृत चिन्मय धाम श्री वृंदावन है, इसलिए ये कोई असंभव नहीं। इसलिए कृष्ण कैसे सखाओं को साथ में कैसे बछड़े चढ़ाते चढ़ाते जब गए, हठात कृष्ण एक थोड़े से पीछे थे कृष्ण, हठात उन्होंने देखा ये जो अजगर सर्प कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे थे, खेलते खेलते इतने खेल में, आप देखना बच्चे जब खेल में मस्त हो जाते ना, घर का खाना पीना सब भूल जाते, फिर माताओं को जोर जबरदस्त से जाकर बुला कर खिलाना पड़ता है, वो भूख भूख सब भूल जाते हैं। और जो साधारण बच्चे जब खेलते हैं इतना आनंद है, जहाँ पर कृष्ण स्वयं जहाँ पर हो वहाँ कितने आनंद नहीं होगा। यहाँ पर बताते हैं कृष्ण जब सखाओं के साथ में खेल रहे थे, इतने मस्त में खेल रहे थे ना, उन्होंने खाना पीना फोना सब भूल गए। जब भूल गए इतने में जोग माया ने देखा प्रभु का तो भोजन का समय हो गया, लेकिन प्रभु अभी अपना बच्चों को साथ में खेलते हुए इतने मस्त, प्रभु तो भोजन को भी भूल गए, इसलिए अभी भोजन प्रभु करनी चाहिए, अभी लीला शक्ति सोच रहे हैं, लेकिन अभी प्रभु भोजन कैसे करेंगे। और इतने आनंद में ठाकुर जी मस्त, इसलिए आनंद को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, आनंद को थोड़ा ब्रेक कर देना पड़ेगा, तब भगवान करेंगे। इसलिए कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने क्या किया, वहां पर ये अघासुर को लेकर के आ गए, अघ मतलब होता है पाप। इतने में अघासुर जब आए, इतना बड़ा मुंह फाड़ करके, उसका एक तो नीचे और एक आकाश को स्पर्श कर रहा था, मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। जब कृष्ण के सखा लोग वहां पर गए ना, छोटे छोटे बच्चे जो सखा तो देख बोले ये क्या लग रहा है, किसी सर्प जैसे ये मुंह फाड़ कर जैसे बैठा हुआ है, इतना भयंकर सर्प है। जो बड़े बड़े सखा थे बोले पागल हो गया, इतना बड़ा कभी सर्प देखे हो कभी, जो नीचे मुंह और मुंह एक तरफ आकाश में मुंह, कभी सर्प देखे हो, बोले क्या है, बोले लगता है विश्वकर्मा ने कोई आश्चर्य कोई चित्रकार कुछ बनाए हैं। बोले चलो उसको अंदर में, बोले भैया उसको बोले अंदर में जाओगे, अगर वो सचमुच से अगर सांप होता तो खा जाएगा, बोले चिंता क्यों करते हो, कृष्ण साथ में ना, जैसे उन्होंने बकासुर को मार दिया अगासुर को भी ऐसे मार देंगे। लेकिन यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं उसका जो भयानक स्वरूप, उसका आग कैसे लाल आग के गोला जैसे और जीवा जैसे इतने बोलाए,
और उसका जो नासिका से जो हवा बह रहा था वो गर्म गर्म बता हवा बह रही थी, मुंह से बदबू मार रहा था क्योंकि सांप खाते हैं उल्टा पुल्टा चीज, मुंह से बदबू मार रहा था। इतने में ऐसे ऐसे बात करते हुए बोले चलो एक बार जाकर अंदर में देखते हैं, कोई विशेष कोई चित्रकारी होगा, अंदर में जाकर दर्शन करते हैं। इतने में तो अंदर में धीरे धीरे अंदर में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए इतने में तो कृष्ण पीछे थे, देख ली तो आकाश हुआ, ये तो खाने के लिए बैठा हुआ। कृष्ण ने जोर जोर से आवाज लगाया, बच्चों अंदर में मत जाओ, लेकिन वो तो ऑलरेडी अंदर में चली गए। अभी ये सोच रहे हैं कृष्ण हमें एक साथ में दो काम करना पड़ेगा। दो काम किया, बोले पहला काम तो इसको मारना पड़ेगा और दूसरा काम अपना सखाओं को बचाना पड़ेगा। इतने में कृष्ण पीछे से आए। जब कृष्ण पीछे से आए इतने में देवता लोग आकाश में देख रहे थे, देख रहे थे, डर गए, बोले हे भगवान ठाकुर भी अंदर में चले गए, अभी क्या होगा। तब यहाँ प्रश्न करते हैं, क्या देवता को पता नहीं ये भगवान है? भगवान को कोई मार नहीं सकते, ठाकुर को कोई थोड़ी मार सकते, क्या उनको पता नहीं है भगवान को नहीं मार सकते? कहते नहीं, जो प्रेम ऐसे की चीज है ना, वो प्रेम ऐसे की चीज है, अगर आप किसको ज्यादा प्रेम करते हो देखना, थोड़ी सी भी कोई कष्ट आ जाए ना, उसकी कष्ट से आप भी कष्ट होता है, इसलिए जानते ही भगवान। तभी ये बात्सल्य की वजह से उनके अंदर में भी ये डर आ गया इनके अंदर में। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने अंदर में प्रवेश कर गए कृष्ण, इतने में जो कृष्ण कंस का जो चार लोग थे ना, बोले बस काम आज हो गया है, आज कृष्ण अंदर चले गए और बचने का कोई उपाय नहीं। उन्होंने आकर के बोले महाराज कंस आपका शत्रु तो राम नाम सत्य हो गया शत्रु का। ए कंस का चार सुनकर बड़े खुश हुए, लेकिन जो देवता लोग बड़े दुखी हुए, यार देवता लोग बड़े दुखी हुए। इतने में यहाँ पर जब कृष्ण जब अंदर में गए, जाकर उन्होंने अपना शरीर को जैसे विशाल रूप उन्होंने अपना अंदर में जाकर विशाल रूप धारण किया, इतने बड़े रूप धारण किया, जैसे मुंह का बंद करेगा, खाली हो तो बंद करेगा ना, लेकिन कृष्ण तो उसको मुंह में पूरा पूरा भर गए। जब भर गए वो बंद किया, मुंह करेगा बंद ही नहीं कर पाया, बंद नहीं कर पाया, उसका आग तो दो रसगुल्ला जैसे बाहर निकल गया, उसका ब्रह्म तालु फट गई, फट करके एक ज्योति वहां से निकल करके आकाश में भ्रमण करते रहा। जब कृष्ण जब अंदर में गए, देखा ऑलरेडी सखा लोग उसकी जहरीले में सबके सब मरे पड़े, फिर कृष्ण उनका अपना अमृतमय दृष्टि से कृष्ण उनको प्राण दान दिए। प्राण दान देकर जब बाहर निकले, जब निकले इतने में जो ज्योति था ना वो आकाश मंडल में जो घूम रहा था, उसने आकर कृष्ण का शरीर में उन्हें प्रवेश कर गया। हाँ कृष्ण शरीर उन्होंने प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए यहाँ पर टीकाकार प्रश्न करते हैं, कृष्ण जब पुतना को मारे, कृष्ण जब सकटासुर को मारे, कृष्ण जब त्रिणावर्त को मारे, जितने बाल स्वरूप में थे उसे स्वरूप में मार डाले, उनने कोई विशाल उदाहरण नहीं किया। छह दिन में कृष्ण पुतना को मार डाले, एक महीना में उन्होंने किसको मार डाले, त्रिणावर्त को मार डाले, सकटासुर को मार डाले एक साल में। लेकिन फिर कृष्ण तो वहां पर छोटे रूप, लेकिन यहाँ पर कृष्ण को बड़े रूप धारण करने का क्या जरूरत था, कृष्ण छोटे अवस्था में मार सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पर बड़े रूप कृष्ण के उदाहरण किए। तो उसका उत्तर देते हैं, कहते इसलिए कृष्ण वहां पर बड़े रूप धारण नहीं किए थे पुतना और सकटासुर, क्योंकि वहां पर ब्रजवासी सबके सब थे, फिर वहां पर तो ऐश्वर्य प्रकाश हो जाता, ऐश्वर्य प्रकाश होगा तो माधुर्य वहां पर नष्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने देखा, यहाँ पर तो देखने के लिए कोई है नहीं, तो मुंह के अंदर में क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, किसको क्या पता है मुंह के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए सठ साठे आचरण कहते ना, जैसे को तैसे है, जिसको जैसे को तैसे उसको मारनी चाहिए। ये दुष्ट ये मारने के लिए आया था कृष्ण को, इसलिए जो जैसे उसको वैसे ही मारनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्हें विशाल रूप को धारण करते हुए उन्होंने उसको कृष्ण मार डाले। जब मार डाले अभी इनको कौन सा गति प्रदान किया, तो इनको उन्होंने प्रदान सारूप्य मुक्ति दिया। इसलिए मुक्ति पांच तरह का है, क्या कितना तरह का है, क्या क्या, हाँ इसलिए कहते मुक्ति पांच तरह का है। पांच तरह का मुक्ति में भक्त लोग कभी कभी तो सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य ले लेते हैं, लेकिन जो साजुज्य मुक्ति को कभी भक्त लोग नहीं ले, साजुज्य मतलब होता है और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। लेकिन भगवान चूंकि उसका अंदर में प्रवेश ठाकुर जी की हैं, बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनि जिसको पाने के लिए कठोर तपस्या कर देता है, प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो दुर्लभ भगवान है जिसकी अंदर में ठाकुर प्रवेश किया, कोई साधारण बात है। अरे बाद में ना जब उसका शरीर सड़ गल जाएगा,
कृष्ण सखाओं ने जाकर के उसको इतना बड़ा शरीर था उसका अंदर में लुक छुप के खेलते थे। भगवान की चरण जिसे हड्डी में लगे, सखाओं का चरण जिसे हड्डी में लगे कोई साधारण नहीं, इसलिए भगवान ने उसको कौन सा मुक्ति दिए, सारूप्य। सारूप्य मतलब होता है वैकुंठ में जैसे भगवान की चतुर्भुज रूप है, ऐसे चतुर्भुज रूप दिया उनको, उनको साजुज मुक्ति नहीं, और ब्रह्म साजुज भक्त लोग कभी चाहते नहीं, ऐसे ही भगवान जब उसको गति दी। अभी देवता लोग जब आकाश में दर्शन किया ना, सब कैसे बोले बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, अरे कोई जगह है बोलो जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हमने जय जयकार किया फिर ब्रह्मा कैसे आते हैं कैसे बछड़े चोरी करके, उसको कल सुने ठीक है। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरी।